पूरे में सबसे अच्छे कार्यकर्ता कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे इटावा के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और इसलिए आप सबके ऊपर महती जिम्मेदारी है मित्रों, हम सबको पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से लग के इस बार काम करना है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा लेके आप सब लोग काम कर रहे हो। ये प्रदेश की हालत जो की है, अभी अखिलेश जी के बारे में भी बता रहे थे, वो मुलायम सिंह जी के बारे में भी बता रहे थे, वो पूरे परिवार के बारे में बता रहे थे, वो उस कुर्बे के बारे में भी बता रहे थे और कुर्बे की कलह के बारे में भी बता रहे थे। मित्रों, इस कलह के बारे में सोचना होगा और इस पार्टी के बारे में भी सोचना होगा, जो जितना बड़ा गुंडा है इस प्रदेश में वो उतना बड़ा सपा का नेता है इस प्रदेश के अंदर। ये स्थिति प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने की है। आने वाली पीढ़ी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए मकान बना के छोड़ जाएंगे, दुकान बना के छोड़ जाएंगे, लेकिन माहौल बना के नहीं छोड़ पाएंगे। तो ये समाजवादी पार्टी वाले न मकान उसके पास रहने देंगे, न दुकान उसके पास रहने देंगे, न जमीन उसके पास रहने देंगे। आपकी बड़ी प्लॉट के ऊपर उनका बोर्ड लग जाएगा सपा वालों का, और जमीनें चली जाएंगी आपकी उनके पास। मित्रों, इस परिवारवाद को खत्म करने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं को लेना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सांसद का बेटा सांसद बनेगा, तो फिर मजदूर का तो फिर बेटा मजदूर ही बनेगा, उसके दिन कभी नहीं फिर सकते कार्यकर्ता बंधुओं। ये भारतीय जनता पार्टी जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं,